वृंदावन की कुंज गली रवे, ओ वृंदावन की सुहानी गली रवे, देख ले महाराज जरूर दिखाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर साड़ी पहनी, औरतों वाला श्रृंगार किया, सामने खड़े हो गए, घूंघट निकाल के बोले चलो अब का देख रहे डाड़ी डाड़ी। बोले प्रभु वहां किसी ने पहचान लिया तो भोले बाबा बोले तुम बैठो यहां और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे जा रहे, महाराज में अंदर नहीं पहुंचे। दरवाजे पर एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहां जा रही हो? बोली मैं इसमें कोई पूछने की बात है, महाराज देखने आए, महाराज देखने जा रहे हैं। बोले जाइए जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, फिर पहले अपना परिचय लिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, आई कहां से हो, तुम्हारे पति का क्या नाम है, उसके बाद में जाओ। पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो तभी तुम्हें पूछ रही हूं। बोले मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा, भोले बाबा की पत्नी हो ना? हाँ बिल्कुल, तो तुम जाओ। पार्वती जैसे ही अंदर बढ़ी, भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले, गोपी ने रोक लिया, ठहरो तुम कहां जा रही हो, रुको। पार्वती लौटाई, क्या हुआ, जाने नहीं दिया? बोले कैसे जाने थे, कैसे जाने थे भाई, तुम्हारी तो हमें मालूम है, तुम तो भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन जे जो लंबो सो घूंघट मारे ठाणी, जे तो मालूम ही ना कौन है। कौन है ये? सोची है अब क्या करें। भोले बाबा से एक बात कही, मैंने तुमसे मना करी, तुमने एक बात ना मानी, अब जब पूछ रही तो हम बताएं तो बताएंगा। भोले बाबा बोले कछु बता दे, थोड़ी देर की बात है, भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है। जवाब दिया, क्या हुआ, आपस में क्या बातें करे, कौन है ये तुम्हें मालूम नहीं है? बोले कोई गैर थोड़ी है क्या? हाँ गैर नहीं है मतलब, अरे बोले मतलब क्या, हमारे लड़का जो गणेश है ना, मेरे बेटा की बहुरिया ये जी मानो रे सही, गोपी ने एक दो बार ना है, पांच छह बार ऊपर से नीचे बड़े अच्छी तरह से देखो, पर एक बात कही बड़ी चालाक हो। पार्वती बोली इसमें चालाकी क्या बात है भाई, जो है सो बताया। गोपी कहने लगी मैं वो नहीं कह रही, फिर चालाक कैसे? बोले चालाक जामे हो बहुत, अपन सब लंबी रोड़ी है, कब शादी करी, बोले जा रहा देना शुरू कर। करी लई खादी अपने लला की
ने सारी गल हमें बिल्कुल खबर ही ना करी। कोई बात ना, तुमने हमें हुआ तो बुलाओ ना, तुम तो आई गई, तुमने कैसे करो ने घूंघट उठाए के दिखाए दे ना कैसी बहू आई हूं तो देख। फिर एक बात कही, जब हम तुम्हारे घर पे आए गए तो तुम कह रही नहीं कि बहू दिखाए दो, यहां बिल्कुल ना दिखाए, और तुम भाई आइयो कैलाश पर्वत पे वहीं दिखाए। बोले बाबा को हाथ पकड़ो भीतर ले चलेगी, चलो ना बिना मत देख रहे ढाड़े ढाड़े। अंदर पहुंचे पार्वती तो बड़े आराम से महाराज देख रही, भोले बाबा घूंघट मारे बैठे हैं। आए महाराज देख रहे सो ना देख पाए रहे, लेकिन एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ गई। सबके बीच में जब नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, हमें तो ऐसा लग रहा है। कैसा? मन ही मन में